नमस्कार, स्वागत है आपका राज्यसभा टीवी में। आपके साथ मैं हूं अभिलाषा पाठक। आइए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस वक्त की हेडलाइंस के साथ। जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा देने वाला, अधिकार खत्म करने से जुड़ा संकल्प और जम्मू कश्मीर पुनर्गठन विधेयक को संसद की मंजूरी। लोकसभा में जम्मू कश्मीर पुनर्गठन बिल के विरोध में 70 वोट के मुकाबले पक्ष में पड़े 370 वोट। लोकसभा की कार्यवाही अनिश्चितकाल के लिए स्थगित। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा, पहली बार एक सत्र में सबसे ज्यादा 36 विधेयक किए गए पारित। जम्मू कश्मीर के विकास के लिए करेंगे सब कुछ, हालात सामान्य होते ही देंगे पूर्ण राज्य का दर्जा। लोकसभा में चर्चा के जवाब में बोले केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, कहा धारा 370 ने छीने कश्मीरियों के अधिकार, संयुक्त राष्ट्र में कश्मीर मसला ले जाने के लिए जवाहरलाल नेहरू जिम्मेदार। उपभोक्ता संरक्षण विधेयक को संसद की मंजूरी। उपभोक्ता मामलों के मंत्री रामविलास पासवान ने राज्यसभा में कहा, उपभोक्ताओं को नुकसान से बचाने के साथ आसान बनेगी व्यवस्था। बिल में भ्रामक विज्ञापनों के लिए पहली बार मैन्युफैक्चरर या एंडोर्सर पर 10 लाख रुपए तक का जुर्माना और 2 साल तक की कैद का प्रावधान। सरकारी स्थान अप्राधिकृत अधिभोगियों की बेदखली संशोधन विधेयक को संसद की मंजूरी। आवास और शहरी कार्य मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा, सार्वजनिक परिसरों पर अवैध रूप से कब्जा जमाए बैठे लोगों के खिलाफ होगी कड़ी कार्रवाई। सदन में राष्ट्रीय डिजाइन संस्थान संशोधन विधेयक को भी मंजूरी। और अयोध्या भूमि विवाद मामले पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई शुरू। निर्मोही अखाड़ा ने कहा, सैकड़ों सालों से उनके अधिकार में है ढांचा और प्रबंधन के साथ, इस पर चाहते हैं अधिकार मध्यस्थता के जरिए समाधान ना होने से प्रधान न्यायाधीश रंजन गोगोई की अध्यक्षता में 5 सदस्यीय संविधान पीठ में सुनवाई। और बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे आज लोकसभा में हुई कार्यवाही की। जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा देने वाले, अधिकार खत्म करने से जुड़ा संकल्प और जम्मू कश्मीर पुनर्गठन विधेयक को संसद की मंजूरी मिल गई है। लोकसभा में जम्मू कश्मीर पुनर्गठन बिल के पक्ष में 370 वोट पड़े जबकि इसके विरोध में सिर्फ 70 वोट पड़े। लोकसभा में इससे पहले जम्मू कश्मीर पुनर्गठन विधेयक पर चर्चा का जवाब देते हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि उचित समय और हालात सामान्य होते ही जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा देने पर सरकार को कोई आपत्ति नहीं है और वो घाटी के विकास के लिए सब कुछ करेगी। कि जहां तक यूटी का सवाल है, परिस्थिति सामान्य होते ही उचित समय पर पूर्ण राज्य का दर्जा देने में इस सरकार को कोई आपत्ति नहीं। और मैं आगे भी कहना चाहता हूं, माननीय एक मुद्दा किया उठाया गया कि पाक ऑक्यूपाई कश्मीर दे दिया। पाक ऑक्यूपाई कश्मीर भारतीय जनता पार्टी की सरकार और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कभी दे ही नहीं सकते। आज भी पाक ऑक्यूपाई कश्मीर की 24 की 24 सीटें हमारा हिस्सा रहने वाली है और पाक ऑक्यूपाई कश्मीर पर हमारा दावा इतना ही मजबूत है जितना पहले था। कि आपने इतिहास तो कहा कि भारत ने अपनी सेनाएं भेजी, सेनाओं ने खदेड़ा घुसपैठियों को और घुसपैठियों के स्वांग में जो पाकिस्तान की सेना के जवान थे, अधिकारी थे उनको। मगर मैं एक छोटी सी बात पूछना चाहता हूं, जब हमारी सेना विजयी हो रही थी तब, और ये सारा यश दिया उन्होंने कि जवाहरलाल जी के नेतृत्व में सब हुआ, जवाहरलाल जी के कारण हुआ और दैट इज वाई कश्मीर आज भारत का हिस्सा है। मगर सभापति महोदय, मैं उनको आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि सेना विजयी हो रही थी, सेना काफी पाकिस्तानी कबलाइयों के क्षेत्र में अधिकार में आई हुए हमारा हिस्सा जीत कर आई थी, तो अचानक एक तरफा
शस्त्र विराम किसने कर दिया, किसने किया? मैं मनीष जी बताना चाहता हूं, वो भी जवाहरलाल नेहरू जी ने किया, और इसी के कारण आज पाक ऑक्यूपाई कश्मीर, इसी के कारण पाक ऑक्यूपाई कश्मीर। अगर सेनाओं को छूट देते हमारा पूरा हिस्सा जीतने की, तो आज पाक ऑक्यूपाई कश्मीर पूरा का पूरा भारत का अधिकृत होता। उन्होंने कहा कि ये किया वो किया, मैं पूछना चाहता हूं भाई, बाद में नहीं, ठीक है 47 में गिलगित और बाल्टिस्तान मेजर ब्राउन उसको दे दिए। मैं पाक ऑक्यूपाई कश्मीर की ही बात कर रहा हूं अभी, क्योंकि इन्होंने पाक ऑक्यूपाई कश्मीर का रेफरेंस दिया है। बाद में यूएन का रेफरेंस किया अधीर रंजन जी ने, यूएन में ले कौन गया, कौन ले गया? ढेर सारे दस्तावेज जो है साहब, देश के उप प्रधानमंत्री और गृह मंत्री को विश्वास में लिए बगैर आकाशवाणी के रूम में जाकर वायु प्रवचन कर दिया कि भारत इस मसले को 35 सेक्शन के अंदर ले, सेक्शन भी ठीक पसंद करते, शशि थरूर जी को मालूम है। इससे पहले लोकसभा में जम्मू कश्मीर पुनर्गठन विधेयक पर चर्चा के लिए प्रस्ताव रखते हुए गृहमंत्री अमित शाह ने कांग्रेस पर निशाना साधा। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा कि जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है, कश्मीर पर संसद ही सर्वोच्च है, जम्मू कश्मीर को लेकर नियम कानून और संविधान में बदलाव से कोई नहीं रोक सकता। उन्होंने कहा कि भारत जब भी जम्मू कश्मीर की बात करता है तो उसमें पाक अधिकृत कश्मीर और अक्साई चीन भी शामिल है। कि जम्मू और कश्मीर भारत का अंग है, अभिन्न अंग है, इसके बारे में कोई कानूनी या संवैधानिक विवाद नहीं है। इसकी स्पष्टता अध्यक्ष महोदय, भारत के संविधान और जम्मू कश्मीर का जो संविधान बना था उस वक्त, ये दोनों संविधान में बहुत क्लैरिटी के साथ की है। जम्मू कश्मीर ने भी इसको स्वीकार किया है कि वो भारत का अभिन्न अंग है। जम्मू कश्मीर भारत के संविधान में अनुच्छेद 370(1)(c) में द प्रोविजन ऑफ आर्टिकल 1 एंड ऑफ दिस आर्टिकल शैल अप्लाई इन रिलेशन ऑफ टू दैट स्टेट, मतलब जम्मू कश्मीर को आर्टिकल 1 के सारे प्रोविजन अप्लाई करते हैं। अनुच्छेद 1 में क्या है, इंडिया दैट इज भारत शैल बी ए यूनियन ऑफ स्टेट, भारत एक सभी राज्यों का संघ है, और इसके अंदर भारत की सीमाओं की व्याख्या करते हुए राज्यों का लिस्ट दिया है, उसमें 15वें नंबर पर जम्मू एंड कश्मीर स्टेट इसका उल्लेख है। इससे प्रस्तावित होता है कि ये जम्मू और कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है, और इसके लिए कानून बनाने के लिए ये संसद हमारी सबसे बड़ी पंचायत पूर्णतया कॉम्पिटेंट। जब मैं जम्मू और कश्मीर बोलता हूं तो पीओके इसके अंदर ही आता है। एक सेकंड भाई सुनो तो, सुनिए तो, आप मुझे बोलने नहीं देंगे? आप मैं स्पष्ट करता हूं, माननीय मंत्री जी प्लीज, मैं जब जम्मू एंड कश्मीर बोलता हूं, माननीय सदस्य इसलिए एग्रेसिव हूं कि जम्मू एंड कश्मीर के पीएको को आप भारत का हिस्सा नहीं मानते हो क्या? एग्रेसिव ना हो, जान दे देंगे इसके लिए, क्या बात कर रहे हो आप? एग्रेसिव होने की क्या बात कर रहे हो? जान दे देंगे इसके लिए। सभापति महोदय, मैं अधिरंजन जी, बैठ जाओ भाई, बैठ जाओ प्लीज, माने सर प्लीज, सभापति महोदय माने प्लीज प्लीज, आपको मैंने इजाजत नहीं दी है, प्लीज बैठ जाइए। माननीय गृहमंत्री जी के अलावा कोई सदस्य नहीं बोलेगा। सभापति महोदय, मैं ये बात रिकॉर्ड पर रखना चाहता हूं कि जब मैं सदन में जब जब जम्मू एंड कश्मीर राज्य बुला हूं, तब तब पाक ऑक्यूपाई कश्मीर और अक्साई चीन दोनों इसका हिस्सा है, ये बात को आप।
और हमारे संविधान ने जम्मू कश्मीर की जो सीमाएं तय करी है और जम्मू कश्मीर के संविधान ने जम्मू कश्मीर की जो सीमाएं तय की है उसके अंदर पाक ऑक्यूपाई कश्मीर और अक्साई चीन दोनों समाहित। वहीं लद्दाख से बीजेपी सांसद जामयांग सेरिंग ने अनुच्छेद 370 को लेकर लोकसभा में जोरदार भाषण दिया। उनके भाषण पर सत्ता पक्ष ने खूब मेजें थपथपाई। गृहमंत्री अमित शाह और केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने सेरिंग के संबोधन का मेज थपथपाकर स्वागत किया। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने भी उनकी तारीफ की। जामयांग सेरिंग ने अपने भाषण में कहा कि हम किसी भी हालत में कश्मीर के साथ नहीं रहना चाहते थे, लेकिन पिछली सरकारों ने हमारे पक्ष को जानने की कोशिश ही नहीं की। हमारी पहचान और भाषा अनुच्छेद 370 और कांग्रेस की वजह से लुप्त हुई है। जामयांग सेरिंग ने कहा कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने हम जैसे लोगों को देश प्रेम और देश के लिए मर मिटने का जज्बा दिया। लद्दाख ने पिछले 71 ईयर यूटी के लिए संघर्ष किया। हम भारत देश के अटूट अंग बनना चाहते थे। 1948 में 4 तारीख को पहला ज्ञापन लद्दाख बुद्धिस्ट एसोसिएशन के तब के प्रेसिडेंट ने पंडित जवाहरलाल नेहरू जी को दिया था, तब के प्रधानमंत्री जी को कहा कि लद्दाख को या तो आप सेंट्रली एडमिनिस्ट्रेटिव ऐसा कुछ बनाइए या नेफा टाइप बनाइए या ईस्ट पंजाब के साथ रखिए, लेकिन किसी भी कंडीशन में हमें कश्मीर के साथ मत रखिए, यह हमने कहा था। लेकिन जिनका सरकार था उन्होंने हमारे सुनवाई नहीं किया, जानने की कोशिश तक नहीं किया। और कश्मीर के नीचे आज तक हमारा डेवलपमेंट, हमारा पॉलिटिकल एस्पिरेशन, हमारा पहचान, हमारा भाषा लुप्त अगर हुआ है तो यह आर्टिकल 370 और कांग्रेस पार्टी जिम्मेवार है। अध्यक्ष जी, मैं डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जैसे वीरों का, कुशोक बाकुला रिंपोची जैसे महान व्यक्तियों का, थुपस्तान सेवांग जैसे जिन्होंने लद्दाख को ये दिशा दिया कि हमें भारत के साथ रहना है, भारत के जयकार करना है, अपने देश के लिए मत मिटने के लिए तैयार रहना है। और आज तक बहुत सारे यहां पे हिस्ट्री का रेफरेंस दे रहा था, मैं याद दिलाना चाहूंगा, चाहे 1965 की वार हो, 1971 का हो या 1999 का हो या 1948 के कबेले हमला का हो, इतिहास चेक करके देखिए, लद्दाखी ने हमेशा बलिदान दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट कर जामयांग सेरिंग की सराहना की है। प्रधानमंत्री ने कहा कि लद्दाख से भाजपा सांसद और मेरे युवा दोस्त ने जम्मू कश्मीर के बिलों पर बहुत बढ़िया भाषण दिया है। वो लद्दाख से हमारी बहनों और भाइयों के आकांक्षाओं को सुसंगत रूप से प्रस्तुत करते हैं, उनके भाषण को सुनना चाहिए। और आइए ज्यादा जानकारी के लिए रुख करते हैं मेरे सहयोगी रविंद्र श्योरण का। रविंद्र, पहले तो जानना चाहेंगे बिल आज पास हुआ है और खास तौर पर जो बातें आज सदन में रखी गई, किस तरह से उसे देखें, आज क्या अहम बातें कही गई हैं? देखिए अभिलाषा, बेहद अहम, बेहद खास और ऐतिहासिक ये दिन और ये पूरा सत्र जिसका आज जो है साइनडाई अर्जन कर दिया गया है स्पीकर की तरफ से। और ये जितना जो सत्र था जितना ऐतिहासिक था, चाहे काम के लिहाज से, चाहे विधेयक को पास करने के लिहाज से और चाहे अलग अलग महत्वपूर्ण जो बिल पास हुए हैं उसके लिहाज से, आज जो आखिरी दिन था जिस दिन की जम्मू कश्मीर से जुड़ी हुई धारा 370 के कुछ जो अनुच्छेद थे उसके कुछ खंडों को जो है वो बदलने के लिए जो बिल था, उसमें अमेंडमेंट का जो बिल था, उसको ख़त्म करने का जो बिल था, वो आज संसद ने पारित कर दिया है और राज्यसभा पहले पारित कर चुकी, लोकसभा ने आज पारित कर दिया है। देखिए बड़ा ऐतिहासिक था जब केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आज अपने भाषण में जब स्पष्ट किया कि किस तरीके से ऐतिहासिक तौर पर ये जो गलती की गई थी उसको कैसे आज संसद का ये निचला सदन जो है वो उसको ठीक कर रहा है और कैसे
जो अगर इसको पहले से दुरुस्त किया जाता तो शायद जम्मू कश्मीर आतंकवाद की चपेट में भी ना आता, अलगाववाद का मसला भी खत्म हो जाता और आज जम्मू कश्मीर दूसरे राज्यों के साथ प्रगति के रास्ते पर आगे बढ़ रहा होता। जी, उन्होंने कहा कि जिस तरीके से जो जम्मू कश्मीर में देश के दूसरे कानून लागू नहीं होते थे उनके लागू होने का जो है रास्ता वो साफ हो गया है, अब जम्मू कश्मीर में इन्वेस्टर्स जा सकते हैं, अब वहाँ के लोगों को रोज़गार आसानी से मुहैया हो पाएगा और जिस तरीके से कश्मीर को पाकिस्तान की तरफ से लगातार आतंकवाद के लिए पोषित किया जाता रहा था अब उस पर भी लगाम लगेगी और जिस तरह से कश्मीर विकास के रास्ते पर आगे बढ़ना चाहिए था अब उसका रास्ता खुल गया है और धीरे धीरे कश्मीर भी बाकी राज्यों के साथ आगे बढ़ सकेगा और वहाँ पर एम्प्लॉयमेंट से लेकर युवाओं को हर तरह की सुविधाएं मिलेगी। साथ ही साथ गृहमंत्री ने कहा कि जिस तरीके से कुछ लोगों जो कानून का जो बात कर रहे हैं कि ये कानून के लिहाज से ठीक नहीं है, उसका भी उन्होंने जवाब दिया कि कैसे हर जो छोटा छोटा बिंदु है उसका ध्यान रख के इन बिलों को लेकर आया गया है और कैसे इसको किसी भी जुडिशियल स्क्रूटनी में ये बिल आराम से जो है वो पारित जो है वहाँ पर पास हो जाएगा। उन्होंने साफ कहा कि पिछले लंबे अरसे से जो सुरक्षा में हमारे जवान तैनात थे यहाँ पर वहाँ पर सिविलियन थे, 1989 के बाद से करीब 41,500 सिविलियन और हमारे जो सेना के लोग थे वो वहाँ पर शहीद हुए हैं, मारे गए हैं और उनका जो मरने का सबसे बड़ा कारण था वो धारा 370 थी और अब वक्त आ गया है जब ये निर्णय लेना चाहिए कि उस रास्ते पर चलकर हमने पिछले 70 साल से देखा है जब धारा 370 लगी हुई थी और अब वक्त आ गया है जब हमको उससे अलग चलने की ज़रूरत है और कुछ नए रास्ते तलाश करने की ज़रूरत है जिससे कि हम जम्मू कश्मीर को जो कि हिंदुस्तान का अभिन्न अंग है उसको पूरे पूर्ण रूप से भारत में समाहित कर सकें और उसकी भाषा कल्चर बोली हर चीज को जो है वो देश के साथ पूरा प्रगति के रास्ते पर आगे बढ़ाया जा सके। बिल्कुल रविंद्र, बहुत बहुत शुक्रिया आपका विस्तार से हमें बताने के लिए। आज लोकसभा की कार्यवाही से जुड़ी हुई, जैसा कि रविंद्र ने बताया कि ऐतिहासिक रहा है ये पूरा सत्र, चाहे वो विधेयक पारित होने को लेकर हो और खास तौर पर 370 को लेकर जो बिल पास हुआ और साथ ही जम्मू कश्मीर पुनर्गठन बिल भी पास हो गया है। रविंद्र, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमें पूरी जानकारी देने के लिए। लोकसभा की कार्यवाही इसी के साथ अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दी गई है। लोकसभा के अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा कि 1952 से अब तक का ये सबसे स्वर्णिम सत्र रहा है। उन्होंने कहा कि पहली बार एक सत्र में सबसे ज्यादा 36 विधेयक पारित किए गए हैं। इस सत्र में सभा महत्वपूर्ण विधानों को पारित करने के लिए तथा विभिन्न महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा करने के उद्देश्य से 71 घंटे देर रात तक बैठी। जहां तक पारित किए विधानों की संख्या है, समय के उपयोग और पहली बार सांसद बने सदस्यों को सभा में बोलने का अवसर के संबंध है, ये प्रथम सत्र सर्वाधिक उपयोगी रहा। 17/6/2019 से 6/8/2019 की अवधि के दौरान कोई 37 बैठकों में 33 सरकारी विधेयक पुरस्थापित किए गए और 36 विधेयक पारित किए गए। ये संख्या लोकसभा के अंदर 1952 में सबसे अधिक थी, जब 1952 में लोकसभा चली थी 67 दिन, जब 24 विधेयक पारित हुए थे और आप सब ने सहयोग कर इतनी बड़ी संख्या में विधेयक पारित किया। 265 नवनिर्वाचित सदस्यों में से लगभग सभी सदस्यों को बोलने का अवसर प्राप्त हुआ, चाहे वह शून्यकाल के दौरान हो तथा सभा के किसी अन्य कार्य के दौरान हो। शून्यकाल के दौरान 265 नवनिर्वाचित सदस्यों में से 229 सदस्यों को सभा में पहली बार चुनने के अवसर पर बोलने का मौका मिला। वहीं श्रीलंका और संयुक्त अरब अमीरात ने धारा 370 के हटाए जाने को भारत का अंदरूनी मामला बताया है। श्रीलंका के प्रधानमंत्री रानिल विक्रमसिंघे ने ट्वीट करके लद्दाख के अलग संघीय प्रदेश बनाने पर खुशी जाहिर की है और बधाई दी है कि ये भारत का पहला बौद्ध बहुल राज्य बन रहा है। उन्होंने अपने ट्वीट में कहा है कि लद्दाख और जम्मू कश्मीर का विभाजन भारत का अंदरूनी मामला है। और उधर भारत में संयुक्त अरब अमीरात के राजदूत अहमद अलबन्ना ने कहा कि उन्होंने धारा 370 के हटाए जाने और जम्मू कश्मीर के विभाजन और उसकी जगह दो संघीय प्रदेशों के निर्माण को क्षेत्रीय असंतुलन और प्रशासनिक क्षमता बढ़ाने से संबंधित
बताया है। संयुक्त अरब अमीरात के राजदूत डॉक्टर अलबन्ना ने कहा कि ये भारत का अंदरूनी मामला है और भारत के संविधान के प्रावधानों के अनुकूल है। उपभोक्ता संरक्षण विधेयक 2019 को संसद की मंजूरी मिल गई है। केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान ने राज्यसभा में उपभोक्ता संरक्षण विधेयक 2019 पर हुई चर्चा का जवाब दिया। विधेयक में सीसीपीए को ज्यादा अधिकार दिया गया है। इस विधेयक में उपभोक्ताओं के अधिकारों के संरक्षण के लिए केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण यानी सीसीपीए गठित करने का प्रावधान है। सीसीपीए उपभोक्ता अधिकारों के उल्लंघन पर जांच भी कर सकती है। बिल में भ्रामक विज्ञापनों के लिए पहली बार मैन्युफैक्चरर या एंडोर्सर पर 10 लाख रुपए तक का जुर्माना और 2 साल तक के कैद का प्रावधान है, जबकि दूसरी बार उल्लंघन करने पर जुर्माना बढ़ाकर 50 लाख रुपए तक करने और 5 साल तक की कैद की सजा का प्रावधान है। लोकसभा से ये विधेयक पहले ही पारित हो चुका है। कि कम से कम डेट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, डेट ऑफ एक्सपायरी, क्या कहते हैं कि कौन निर्माता है, कहाँ कंप्लेन किया जाएगा, ये सारी की सारी जो 5-6 पॉइंट्स क्या कहते हैं जो होते हैं, जो कंज्यूमर के इंटरेस्ट का है, उसको बड़ा बड़ा अक्षर में लिखो। हमने बतला दिया कि 40% कम से कम जो है वो रखो। राज्यसभा से सरकारी स्थान अप्राधिकृत अधिभोगियों की बेदखली संशोधन विधेयक 2019 को भी पारित कर दिया गया। आवास और शहरी कार्य मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने विधेयक पर चर्चा का जवाब दिया। विधेयक के जरिए सार्वजनिक परिसरों पर अवैध रूप से कब्जा जमाए बैठे लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। सरकारी स्थान अप्राधिकृत अधिभोगियों की बेदखली संशोधन विधेयक 2019 को लोकसभा की पहले ही मंजूरी मिल चुकी है। This bill was drafted, this amendment was drafted in the time of my distinguished predecessor, and we should have actually cleared this, and this house should have passed it. I personally believe, and this is my personal statement, I'm not speaking as a minister, I think the passage of this amendment will have a deterrent value. A few honorable members have asked me, kya is bill ko pass ho jane se kuch hame fayda hoga? Maine kaha aapko pura fayda hoga, kyunki jo aap us makan se nahi nikal rahe hain unko pura vishwas ho jayega is bill ke pass hone se ki unko jaldi vacate karna chahiye, zyada der nahi lagani chahiye। लोकसभा के नव निर्वाचित सांसदों को संसद की कमेटी प्रणाली के बारे में विशेषज्ञों से गुर सीखने का मौका मिलेगा। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला भी चाहते हैं कि सांसद विभाग संबंधी स्थायी समितियों और वित्तीय समितियों के कामकाज में पूरी दिलचस्पी लें। इस बाबत 7 अगस्त को नए सांसदों के लिए कमेटी प्रणाली पर ओरिएंटेशन प्रोग्राम आयोजित किया जा रहा है। BPST मेन लेक्चर हॉल संसद भवन पुस्तकालय में 7 अगस्त को होने वाले इस ओरिएंटेशन कार्यक्रम में नए सांसदों को वित्तीय समितियों समेत संसद की कमेटी प्रणाली के बारे में सुबह 8:45 से 10:30 तक जानकारी दी जाएगी। वैसे तो अपने नियम और प्रक्रिया के तहत राज्यसभा और लोकसभा की कई समितियां हैं, लेकिन संसद की 24 विभाग संबंधी स्थायी समितियां सरकार के सभी विभागों और मंत्रालयों के कामकाज पर निगाह रखती है। राज्यसभा सदस्य और AIADMK के नेता एन गोकुल कृष्णन को पुडुचेरी स्थित जवाहरलाल इंस्टीट्यूट ऑफ पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च का सदस्य निर्वाचित घोषित किया गया है, जबकि राज्यसभा सदस्य और AIADMK के नेता ए विजय कुमार को कॉफी बोर्ड के सदस्य के रूप में उनका निर्वाचन हुआ है। उपराष्ट्रपति भवन में आज कई राज्यों के राज्यपाल ने उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू से मुलाकात की। नागालैंड के राज्यपाल आरएन रवि ने आज उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू से मुलाकात की। वहीं बिहार के राज्यपाल फागू चौहान ने भी आज उपराष्ट्रपति से मुलाकात की। मध्य प्रदेश के राज्यपाल लालजी टंडन आज उपराष्ट्रपति से मिले।
और कर्नाटक के मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा ने आज उपराष्ट्रपति से मुलाकात की। लोकसभा के पूर्व महासचिव डॉक्टर गुरदयाल सिंह ढिल्लों को उनकी जयंती पर आज संसद भवन के केंद्रीय कक्ष में श्रद्धांजलि दी गई। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला और लोकसभा महासचिव स्नेहलता श्रीवास्तव के अलावा विभिन्न दलों के सांसदों ने इस मौके पर उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित किए। 6 अगस्त 1915 को अमृतसर में पैदा हुए डॉक्टर जी एस ढिल्लों ने लोकसभा के 5वें अध्यक्ष के रूप में 1969 से 1975 के बीच सदन का संचालन किया था। राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद भूमि विवाद अयोध्या मामले में सुप्रीम कोर्ट में आज से रोजाना सुनवाई शुरू हो गई। हिंदू पक्षकार ने आज कोर्ट में दावा किया कि 1934 से इस विवादित ढांचे में किसी भी मुस्लिम को प्वेश की इजाजत नहीं थी और ये पूरी तरह से निर्मोही अखाड़े के अधिकार में था। प्रधान न्यायाधीश जस्टिस रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली 5 सदस्य संविधान पीठ के समक्ष अयोध्या प्रकरण में निर्मोही अखाड़े की ओर से बहस शुरू करते हुए वरिष्ठ अधिवक्ता सुशील जैन ने कहा कि यह ढांचा पूरी तरह से उसके अधिकार में ही है और वो इस क्षेत्र का प्रबंधन और इस पर अधिकार चाहते हैं। इस विवाद का मध्यस्थता के जरिए समाधान खोजने का प्रयास विफल होने के बाद संविधान पीठ ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के सितंबर 2010 के फैसले के खिलाफ दायर 14 अपीलों पर मंगलवार से सुनवाई शुरू कर दी है। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में बुधवार को भी सुनवाई जारी रहेगी। इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल मेरे साथ इतना ही। जुड़े रहिए राज्यसभा टीवी के साथ। नमस्कार।